लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नारायण नारायण, हनुमान हनुमान हनुमान, तनिक अपने गुरुदेव पर भी दया दृष्टि घुमाओ। गुरुदेव? प्रणाम गुरुदेव। त्रेता युग से कलयुग तक तुम्हारी कीर्ति कथा गूंजती रहे हनुमान, परंतु नारायण नारायण ये क्या हनुमान, इतनी तीव्र गति से और इतने व्याकुल होकर कहां जा रहे थे कि मार्ग में बैठे अपने गुरुदेव को भी नहीं देख सके। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव कि मैं आपको देख नहीं पाया। आज मन सियाराम से मिलने के लिए इतना व्याकुल हो रहा था, इसीलिए मैं अपने माता पिता श्री से आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर जा रहा था। तुम सियाराम से मिलने अयोध्या जा रहे हो? भगवान शिव तुम्हारी कामना पूर्ण करें। गुरुदेव, सदा विनोद प्रमोद में रहने वाले आज इतने गंभीर कैसे हो गए? क्या बताऊं हनुमान, ये तो संसार का नियम है। सुख दोपहर की परछाई जैसा छोटा है तो दुख संध्या की परछाई जैसा लंबा। सुख के दो दिन बीते ही नहीं कि दुखों का लंबा युग प्रारंभ हो जाता है। गुरुदेव, आपका संकेत किस ओर है? आप किसके संकट की बात कर रहे हैं? मैं तो संसार के नियम की बात कर रहा था हनुमान। गुरुदेव, कहीं आपका संकेत अयोध्या की ओर तो नहीं है? परंतु मैं तो कुछ दिनों पूर्व अयोध्या से लौटा हूँ। तुम दिनों की बात कर रहे हो हनुमान, जबकि पल का भी कोई भरोसा नहीं होता। गुरुदेव, आप अवश्य ही मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। हनुमान, तुम अयोध्या जा रहे थे ना? अयोध्या जाते जाते मार्ग में वाल्मीकि आश्रम पड़ेगा, हो सके तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि के भी दर्शन कर लेना, वहां तुम्हें तुम्हारे संकट का समाधान भी मिल जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपने मुझे बताया था कि महर्षि वाल्मीकि को भविष्य का ज्ञान है और उन्होंने अपनी रामायण कथा में भविष्य के विषय में अवश्य लिखा होगा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। गुरुदेव, आप रामायण लिखते लिखते अचानक रुक क्यों गए? गुरुदेव, हम रामायण की अगली घटना जानने के लिए उत्सुक हैं। वत्स, कभी कभी वरदान भी दुख का कारण बन जाता है। यथा मैं परमपिता ब्रह्मा की कृपा से हमें भविष्य को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त, अतः परिणाम स्वरूप
मैं स्वयं पीड़ित हो रहा हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। महर्षि देवर्षि नारद मेरे गुरुदेव हैं, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। महर्षि आप तो भविष्य दृष्टा हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप स्पष्ट देख सकते हैं। कृपा यथाशीघ्र मुझे बताइए कि रामायण में कुछ अघटे तो नहीं होने वाला है ना? हनुमान जो कुछ हो रहा है उसकी तो इस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऋषिवर हम साधारण जनमानव इसकी कल्पना नहीं कर सकते, परंतु आपने तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रुद्रावतार हैं। आप ध्यान लगाएं तो आप भी सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। महर्षि परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कभी कभी भविष्य की बातें जान लेने से भय लगने लगता है, इसीलिए जो कुछ होने वाला है वो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। हनुमान इस समय हमसे कुछ न पूछो, समय के उलट फेर और घटनाओं के अनदेखे मोड़ मन को ठेस भी पहुंचा सकते हैं, परंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी होगा ठीक ही होगा। जहां श्री राम है आप हैं वहां सब मंगल ही होगा, सब मंगलमय होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तीर से प्रेम
देवी, कौन है आप देवी और यहां कैसे इस घनघोर जंगल में अकेली? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहता हूं, उनका कनिष्ठ शिष्य हूं। चिंता न करें, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बहुत समीप है, क्या आप वहां चलना चाहेंगी? नहीं मुनि कुमार, मुझे तो अब यहां इस वन में अकेले ही रहना है, यही मेरे स्वामी की आज्ञा है। नहीं नहीं देवी, इस वन में हिंसक प्राणियों का निवास है, आपका अकेले यहां रुकना उचित न होगा, कृपया आप हमारे साथ ही चलें। तुम जाओ मुनि कुमार, अब अकेले रहना ही मेरी नियति है। मैं वन में बरसों रह चुकी हूँ और हिंसक प्राणियों को मित्र बनाना मुझे आता है, तुम मेरी चिंता ना करो, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे आपकी इच्छा, प्रणाम। मैं जानता हूं यह कठिन कार्य तुमने हृदय पर पत्थर रखकर किया है, अब तो भगवान शिव भाभी की रक्षा करें। भैया भैया, यदि तुम ही इस तरह से टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा भैया, हमारा क्या होगा भैया? नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं भैया, राम का है। तुमसे मिलने के पश्चात वह हमें महल में कहीं दिखाई नहीं दिए। प्रभु कहाँ हैं आप? ये तो हनुमान का स्वर है, लगता है वो सुमेर से लौट आए हैं। भैया हनुमान को ना बताना सीता भाभी के बारे में, वे इस आघात को सह नहीं पाएंगे। प्रभु प्रभु आप कहाँ हैं? चलो मेरे साथ। प्रभु Thank you.
जय सिया राम। जय श्री राम। तुम लौट रहे हो? हाँ भैया, मेरा मन सुमेरु में बिल्कुल नहीं लगा। परंतु प्रभु श्री राम कहाँ हैं? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं हनुमान। भैया, प्रभु श्री राम अवश्य माता सीता के पास होंगे। क्या आप लोगों ने उन्हें वहां देखा? कोई बात नहीं भैया, मैं प्रभु से मिलकर आता हूं। मैं अभी आता हूं। जंगल में अकेली उदास बैठी है, उनका नाम तो नहीं जानता। गुरुदेव, मैं इतना कह सकता हूँ कि वे अवश्य किसी राज्य की महारानी है। उनके मुख का तेज यही बता रहा है कि वे हम समझ गए भद्रक, वे कौन हो सकती है। हमने सोचा नहीं था कि हमने जो देखा वो इतने शीघ्र घटित होगा। हम उन्हें लेने जा रहे हैं। गुरु जी, मैंने उनसे आश्रम पधारने का अनुरोध किया था, परंतु उन्होंने कहा वे कहीं नहीं जाना चाहती। वे हमारा आग्रह नहीं टालेंगे भद्रक, उन्हें आश्रम में लाना ही होगा।